हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये केस हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाने वाला है। ये केस एक चेज है, एक पेचीदा मुश्किल चेज। नासिक, गोवा, कोल्हापुर, सातारा, वाई, नागपुर, रत्नागिरी, सोलापुर, पुणे, मुंबई, सूरत। हम एक खतरनाक आदमी का पीछा कर रहे हैं। वो कौन है इस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं। वो क्या है, वो ऐसा क्यों है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। ये आदमी सनकी है, ऑब्सेस्ड है। रचना, इतना काफी नहीं है उसे ढूंढने के लिए। हमें कुछ ठोस डिटेल्स और चाहिए होंगे। आप इसकी हिस्ट्री पे गौर कीजिए, उसके तरीके पर। एक पैटर्न है उसमें। ये बहुत ही बारीकी और एहतियात के साथ ऑपरेट करता है। इसका एक ऑब्सेशन है प्रोटेक्टेड सेक्स। हर एनकाउंटर में कॉन्डम यूज हो। उसके टारगेट्स में भी कोई पैटर्न है? कोई खास किस्म के शिकार को चुनता है? बिल्कुल, ये खास प्रोफाइल के विक्टिम्स को चुनता है और उनको टारगेट बनाने के तरीके में भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। और कितनी दूर चलना होगा? थक गई हो तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ये लो, प्यास बुझ जाएगी। एक स्थानीय गांव वाले ने इस औरत की शव को सबसे पहले देखा और पुलिस को सूचित किया। अब तक इस औरत की कोई पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि क्राइम सीन में जो चीजें मिली है वो गुमराह करने वाली मालूम हो रही है।
पुलिस पूरे इलाके में ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मुजरिम कोई भी सुराग पीछे छोड़कर गया। सर, विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ ऐसा लग तो नहीं रहा, पर पोस्टमार्टम ही असली तस्वीर सामने लेके आएगा। विक्टिम की पहचान उसे कैसा कुछ मिला? सर, एक डेबिट कार्ड मिला है, मनोज मात्रे नाम का। मनोज मात्रे विक्टिम का कौन हो सकता है? सर, ये जो कोई भी जिसने किया है, ऐसे विक्टिम का पर्स और उसमें अपना डेबिट कार्ड हमारे लिए क्यों छोड़कर जाएगा? पॉइंट है, 16 जुलाई 2017 हमारी नासिक क्राइम ब्रांच रूरल डिविजन के जुरिस्डिक्शन में कत्ल की गई औरत का शव मिला है। इस केस का पहला सुराग एक क्राइम बीट रिपोर्टर से मिलने वाला है और फिर एक मनोवैज्ञानिक इस जुर्म और मुजरिम दोनों को समझने में हमारी मदद करने वाली है। सर, हो सकता है हमारे लिए जानबूझ के छोड़ा गया सुराग है, पर जो भी है यही है आगे बढ़ने के लिए। इस सुराग का पीछा शुरू करते हैं, अंधी गली में ले जाएगा शायद, पर पीछा तो शुरू होगा। सर, ऐसा ही एक केस मैंने एक अरसे तक ट्रैक किया था, वो केस और ये केस काफी सिमिलर। सर, कौन सा केस अर्चना? सर, मडगांव गोवा का केस था, 3 साल पहले का। एक्चुअली इन दोनों केसेस में काफी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि? सर, मडगांव में भी ऐसी एक जवान लड़की की लाश मिली थी जिसका गला काटा गया था, और वो लाश भी एक सुनसान इलाके में मिली थी, जंगल में। और उस लाश के पास भी एक पर्स मिला था जिसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट था, और वो भी एक आदमी का। अनंत किनी। सर, झोल मालूम होता है, एक आदमी का आई कार्ड एक औरत के पर्स में, उसकी लाश के पास। इतना बड़ा कांड करने वाला ऐसी गलती करेगा नहीं। शायद ये अनंत किनी हमें ये बता पाए कि औरत है कौन। सर, केस का एफआईआर नंबर था 147/2014 और औरत की लाश F9/14। सर, ये केस अब तक क्लोज नहीं हुआ है, अनसॉल्व केसेस में पड़ी है फाइल। सर, 2014 में गोवा में करस्पॉन्डेंट थी मैं, उस वक्त मैंने इस केस को काफ़ी फॉलो किया था, ऑलमोस्ट 1 साल तक। तब वहाँ की पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला। वो औरत ट्रेस हुई थी? नहीं ना सर, एक्चुअली मैंने भी उस वक्त पुलिस की काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन वही अंधी गली। ये रिपोर्टर अर्चना की गोवा वाली लीड में पता नहीं कितना वजन है, पर गोवा पुलिस से कोऑर्डिनेट तो बनता है। विनीत, तुम इस डेबिट कार्ड वाले मनोज मात्रे को ढूंढ निकालो। सुधा, तुम पोस्टमार्टम की सारी डिटेल्स इकट्ठा करो। मैं पता करता हूँ कि यहाँ के केस में और गोवा के केस में और कितनी समानता है। सर, इन दोनों केसेस में कई चीजें कॉमन है, तो क्या हम एक सीरियल किलर का पीछा कर रहे हैं? तकरीबन 16 घंटे पहले कत्ल हुआ है और विक्टिम को पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। तो रेप कंफर्म्ड है? हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटी तो हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि सीमन की ट्रेसेस नहीं मिले गए, जरूर कल्प्रिट ने कॉन्डम यूज किया होगा। आप कह रही थी कि विक्टिम को पता भी नहीं चला होगा, अल्काजेरॉन एक बेहोश करने वाला ड्रग है और विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में भारी मात्रा में पाया गया है। मतलब विक्टिम को टारगेट किया गया था, उसे सुनसान इलाके में ले जाके उसे बेहोश किया गया, शायद पानी या फिर ड्रिंक में ड्रग मिलाकर, और फिर उसका रेप हुआ और फिर कत्ल। पूरी संभावना यही हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर, हमें क्राइम सीन से कोई भी कॉन्डम नहीं मिला है और ना ही ऐसी कोई चीज मिली है जो सेक्सुअल असॉल्ट या फिर मर्डर से जुड़ी हो। मुजरिम ने कोई एविडेंस पीछे नहीं छोड़ा है, बहुत चालाक मालूम होता है, शायद तजुर्बेकार। और विक्टिम?
इसके बारे में कोई डिटेल? विक्टिम ने जो साड़ी पहनी थी और वो पर्स जो आपको मिला था, उससे यही लगता है कि विक्टिम गरीब तबके को बिलोंग करती होगी। हाँ, इस डेबिट कार्ड की डिटेल्स हमें हमारे बैकएंड से पता करनी होगी। किस मनोज मात्रे का अकाउंट हमारे कौन से ब्रांच से लिंक्ड है? मिस्टर राव, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। इस केस में यही एक लीड है हमारे पास, मनोज मात्रे का डेबिट कार्ड जो हमारी की औरत के पर्स में से बरामद हुआ। इस मनोज मात्रे की डिटेल्स मिल जाए तो हमारी काफी हेल्प होगी। माय गॉड, ये वही मालूम होता है। काफी सिमिलरिटीज है। हमारे केस में भी विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम से अल्केसेरॉन का हेवी डोज पाया गया था। सेफियो, तुम्हारे केस में भी विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था? कॉन्डोम यूज हुआ था? यस गावड़ी, कॉन्डोम पहनकर सेक्सुअल असॉल्ट और उसके बाद गला काटा गया। कत्ल के 14 घंटे बाद बॉडी मिली थी। कोल्ड ड्रिंक या पानी में अल्केसेरॉन ड्रग मिलाकर पिलाया गया होगा। रेप? सेक्सुअल एक्टिविटीज तो हुई है, लेकिन विक्टिम को तो पता ही नहीं चला होगा क्योंकि वो बेहोश रही होगी और हमें सेमेन ट्रेसेस तो मिले नहीं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि असॉल्ट कॉन्डोम पहनकर किया गया होगा। सर, हमें क्राइम सीन के आसपास कुछ भी नहीं मिला सिवाय उस औरत के पर्स में मिले लाइसेंस के, जो किसी अनंत किनी के नाम का था। और इस अनंत किनी का कोई कनेक्शन नहीं बना? जी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं बना। और यह ड्राइविंग लाइसेंस मंगलुरु आरटीओ ने इशू किया है और अनंत किनी हमें मंगलुरु में ही मिला। अनंत किनी का ड्राइविंग लाइसेंस विक्टिम के पास कैसे आया? हाँ हाँ सर, अनंत किनी मेरा ही नाम है, ये फोटो मेरा ही है और ये ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरा ही है। वैसे कहाँ मिला ये? इस औरत के लाश के पास, मड़गांव गोवा में। लाश के पास? कैसे? वही तो हम तुमसे पूछने आए हैं, गोवा से। अनंत किनी, ये औरत है कौन? मुझे क्या पता ये औरत कौन है, और मैं तो मड़गांव कभी गया भी नहीं हूँ। तो क्या तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस खुद ब खुद तुम्हारे वॉलेट से निकल कर सीधे मड़गांव पहुंच गया? मेरा वॉलेट चोरी हो गया था और उसमें मेरा पैन कार्ड वगैरह सब कुछ था सर। सर, 6 महीना पहले की बात है, मैं अपनी वाइफ को कोची छोड़ने गया था उसके पेरेंट्स के घर डिलीवरी के लिए। मैंगलोर वापस लौट रहा था, तभी हुआ। जब सुबह उठकर देखा तो वॉलेट गायब था सर। चोर पकड़ा गया? सर, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप यहाँ के वर्धन नगर थाने में जाकर पूछिए ना, मैंने वहीं रिपोर्ट लिखवाई थी। सर, मैंने अपने सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे, नया ड्राइविंग लाइसेंस, नया पैन कार्ड, सब नया बनवाया। ट्रेन में अनंत किनी के साथ और कौन कौन सफर कर रहा था ये तो हम पता कर लेते, लेकिन इतने सारे लोगों में चोर को कैसे ट्रेस कर पाते? औरत भी ट्रेस नहीं हुई, एक सिंगल सुराग नहीं मिल पाया उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। शायद मड़गांव के बाहर की होगी। हमारी विक्टिम का भी सेम प्रोफाइल बन रहा है। तो फिर पूरे चांसेस है कि आपका मनोज मात्रे अनंत किनी के प्रोफाइल का ही निकलेगा, जिसका इस केस से दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा। जी, मैं ही हूँ मनोज मात्रे। मेरा डेबिट कार्ड आपको कहाँ से मिला सर? 3 महीने पहले खो गया था। मनोज, ये कार्ड हमें नासिक डिस्ट्रिक्ट के इगतपुरी के पास मिला, एक औरत के पर्स में। औरत के पर्स में? उस औरत का पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, उसके बाद मर्डर। सर, मेरा वॉलेट तो चोरी हो गया था, भोपाल से नागपुर आते उसमें। और जब सुबह मेरी नागपुर में नींद खुली तब जाकर मुझे पता चला कि मेरा तो वॉलेट ही गायब है। शुक्र है मेरे वॉलेट में सिर्फ बैंक के कार्ड्स थे, जो उसे तुरंत मैं ब्लॉक कर सकूं। इस औरत को जानते हो? मैं कैसे जानूंगा सर, मेरा नासिक साइड में तो आना जाना हुआ ही नहीं कभी। हाँ, एक आध बार शिरडी और शनिश्चरनाथपुर जाकर आया हूँ दर्शन के लिए। पर दोनों केसेस में एक दो नहीं, कई चीजें कॉमन है विनीत। हाँ सर, इतना तो पक्का है, ये सीरियल किलर सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर करने के अलावा चला चोर भी है। पर चोरी पैसों की नहीं, पहचान की करता है। और गोवा के केस की तरह हमारे केस की भी विक्टिम की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पूरे 3 दिन हो चुके हैं। सुधा, हमारे केस की विक्टिम नासिक या इगतपुरी के बाहर की हो सकती है। सर, मैंने महाराष्ट्र स्टेट के सभी थानों में विक्टिम की फोटो और केस डिटेल भिजवा दिए। और सर, अगर विक्टिम महाराष्ट्र के बाहर की है तो तलाश का दायरा काफी वाइड हो जाएगा। 3 साल के गैप के बावजूद दोनों केसेस में मॉडस ऑपरेंडी लगभग 100% मैच हो रही है। हो सकता है किसी सीरियल किलर का काम, और हो सकता है इस वक्त वो अपने अगली शिकार की तलाश में घूम रहा हो। काफी एक्सपीरियंस है काम में, जगदीश माने। जी वो तो है, काफी टाइम से हूँ इस लाइन में। ये मास्क उतार सकते हो, चेहरा देखना है तुम्हारा। जी बिल्कुल।
आपके यहाँ के सभी मजदूरों को भी ये मास्क पहन लेना चाहिए। इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। तुमने मुंबई की साइट क्यों छोड़ी जगदीश? बिल्डिंग बन गई? नहीं जगदीश, मेरा मतलब है कि तुम मुंबई का काम छोड़ के पुणे क्यों चले आए? अब मुंबई में तो काम की कमी है नहीं। मैं मजदूरों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता हूँ अश्विन जी, लेकिन मुंबई की भीड़ और ट्रैफिक को संभाल ना पाया। मुझे ज्यादा शोर पसंद नहीं है, थोड़ी हरियाली हो, खामोशी हो, अच्छा लगता है। कोई नहीं है क्या? 35 है। सबके साथ बैठ चुका हूं मैं, कोई नहीं है तो बताओ। अरे 15 लड़कियों की जगह है मेरे पास, 35 को ठूस के रखा है मैंने। लड़कियां है, कोई माचिस की तिल्ली नहीं जो डब्बे में बंद कर दू। बैठना है तो इन्हीं में से बैठ। जब मैं साइड की धूल और पसीने से घर लौटता हूं ना, तो मुझे ताजी हवा लगती है, बस थोड़ी खुशबूदार हो। ठीक है जगदीश, मैं अपने अब सेठ से बात करता हूं, तुम मुझे कल आकर मिलो, मुझे लगता है तुम्हें काम मिल जाएगा। जहां पर भी घात लगाए बैठा है ये सीरियल किलर, अगले शिकार पर लपकने से पहले ही हमें इसे रोकना है। आप सही कह रहे हैं, दरअसल तब 2014 में हमें केस को ठंडा पड़ने नहीं देना चाहिए था। रचना शानबाग की बात हमें सीरियसली लेनी चाहिए थी। रचना ने तब पॉइंट आउट भी किया था कि इस केस में कुछ साइंस है जो किसी मेंटली अफेक्टेड शख्स के हो सकते हैं। कौन है रचना शानबाग, कहां मिलेगी? वो एक साइकोलॉजिस्ट है और इस वक्त मुंबई में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट भी। महाराष्ट्र के सारे केसेस चेक करो, नेशनल क्राइम डेटाबेस भी स्कैन करो, सेक्सुअल असॉल्ट की कोई भी हिस्ट्री हो या हमारे केस से मिलता जुलता एक भी केस हो तुरंत पेपर्स मंगवाओ। इस केस को हमें अर्जेंट समझकर चलना है। मैंने इंस्पेक्टर सावी रोड्रिग्स को पूरी रिसर्च हैंड ओवर की थी ऐसी पैटर्न के सीरियल किलर्स के बारे में। छोटा सा क्लू भी मिल जाए तो पूरी गंभीरता से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तो मैंने पूरी लीड दी थी। रचना, हम जाग गए और हमें हर हाल में इस भयंकर मुजरिम को पकड़ना है। 2014 में ये औरत मडगांव गोवा में, और अब 2017 में ये नासिक में आपकी ज्यूरिसडिक्शन में। आई थिंक इन 3 सालों में इसके और भी विक्टिम्स रहे होंगे। और ये भी हो सकता है कि अभी इस वक्त इस मिनट जब हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो ये किलर अपने अगले शिकार का टारगेट कर रहा हो। पड़ रहा हो तो कम उठाओ वरना गिर पड़ोगी। मधु, मैं मधु नहीं हूँ माने साहब, मैं तेजस्विनी। सॉरी तेजस्विनी, मास्क है तुम्हारा? मैंने दिया था ना पहनने को। वो साहब मास्क पहन के ना काम करने को जमता नहीं है। दोनों ही केसेस में एल्काज़ोरोन ड्रग्स, यानी कि वो दवाइयों का जानकार है। इस दवा से तुरंत नींद आ जाती है, वो ये बात जानता है। और उसी बेहोशी की हालत में वो विक्टिम्स के साथ सेक्स करता है, फिर उन्हें मार डालता है। क्यों? जाहिर सी बात है, ताकि वो जिंदा ना बचे उसे पहचानने के लिए। वो सेक्सुअल असॉल्टर होने के साथ साथ कातिल भी है। कत्ल सिर्फ उसके एक बचाव का तरीका है, उसका ऑब्जेक्टिव है सेक्स। सेक्स की भूख एक लत है, उसके लिए एक ऑब्सेशन है, एक बेलगाम जुनून की तरह। लेकिन उसका जुनून यही खत्म नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का भी उसका एक तरीका है। वो आपको भी गुमराह करने में उतनी ही मेहनत करता है। आप उसको कहाँ ढूंढेंगे वो पहले से ही प्लान कर लेता है। आपको नासिक पुलिस को नागपुर भगाया,
और मडगांव पुलिस को मैंगलुरु भगाया। हमें इस आदमी का चेहरा चाहिए, इस आदमी का नाम चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आदमी कोई फिक्स नाम से ऑपरेट नहीं करता होगा। अच्छा काम कर रही हो तुम। सोच रहा हूँ मैनेजर साहब से बात करके तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूँ। थैंक यू पीटर सर। वेलकम। छुट्टी चाहिए थी ना तुम्हें, कल ले लो, तनख्वाह नहीं कटेगी तुम्हारी। धन्यवाद विजय साहब। ठीक है जगदीश, मैं अपने अब सेठ से बात करता हूँ, तुम मुझे कल आकर मिलो, मुझे लगता है तुम्हें काम मिल जाएगा। स्प्लिट पर्सनालिटी, आइडेंटिटी का मसला नहीं, वो इन जुर्मों में अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। और जब वो इन दोनों औरतों से भी मिला होगा तो अलग अलग नाम से मिला होगा। वो कॉन्डम यूज करता है इसलिए नहीं कि सीमन सैंपल पुलिस की मदद करेंगे, मेरे ख्याल से वो अपनी सेफ्टी के लिए करता है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो सकता है कि उसे सफाई का, सेफ्टी का ऑब्सेशन हो। वो अपना उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपने विक्टिम्स का रखता है। आप विक्टिम की फोटोज देखिए, विक्टिम के कपड़े फटे हुए नहीं है, ना ही इनकी बॉडी पे किसी स्ट्रगल के निशान है। सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी यह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है, लेकिन क्राइम सीन पर उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। वो पहले अपने विक्टिम्स को बेहोश करता है, फिर बहुत ही सावधानी से उनके कपड़े उतारता है, फिर उनके साथ सेक्स करता है, फिर उसके बाद उनका कत्ल करता है, और फिर उतनी एहतियात के साथ उनके कपड़े उन्हें वापस पहना। ये अपने विक्टिम्स को मरने के बाद भी ऐसे ही नहीं छोड़ता, उनको अच्छे से वापस कपड़े पहनाता है, तभी उसके विक्टिम्स आपको ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो मानो आराम से सो रहे हैं। उसने दोनों मर्डर्स जंगल में किए जहाँ लोगों का आना जाना ना के बराबर होता है। ऐसा किलर शायद पहले से तय करके रखता होगा कि किस दिन कितने बजे कौन से इलाके में उसको अपने विक्टिम को लेकर आना है। वो पूरे इलाके को बहुत अच्छे से स्टडी करता होगा, विक्टिम्स को किसी बहाने वहाँ पर लेकर जाता होगा। इगतपुरी के पास जंगलों में जहाँ पर आपको इस विक्टिम की लाश मिली वहाँ पर कुछ मशहूर है? एक मंदिर है, इच्छापूर्ति मंदिर। मडगांव में भी कृष्ण मंदिर है, क्राइम सीन से थोड़ी ही दूर। तो शिकार को मंदिर ले जाने के बहाने वो जंगलों के रास्ते जाता होगा, और शायद शादी का भी झांसा वांसा देता होगा, हू नोस। मैंने मडगांव वाले केस में सारे पैटर्न स्टडी किए थे और अपनी रिपोर्ट फाइल की थी, और इस केस को साइनाइड किलर की केस स्टडी के साथ मैच किया था। बस स्टॉप किलर? राइट। साइनाइड किलर मोस्टली बस स्टॉप पे अपने शिकार को मारता था, और ये शख्स जंगलों में, वो भी एक जगह अपना शिकार नहीं करता था, अलग अलग शहरों में घूम कर करता था। और ये 2014 में मडगांव, 2017 में नासिक, और अभी शख्स नासिक में नहीं मिलेगा। इस शख्स का चोरी करने के तरीके में भी एक पैटर्न है, ये अलग अलग जगहों से वॉलेट्स चुराता है और उनके आईडीज इस्तेमाल करता है। मडगांव में मैंगलुरु के किसी आदमी का और नासिक में नागपुर के किसी आदमी का आईडी इस्तेमाल हुआ है। ये शख्स सिर्फ कत्ल करने के लिए सफ़र नहीं करता है, चोरी करने के लिए भी सफ़र करता है। वो शायद काफ़ी दूर दूर तक जाता होगा, चोरी के लिए भी अपना टारगेट काफ़ी सावधानी से चुनता होगा, शायद उनसे पहले दोस्ती भी करता हो, शायद इस बात को भी इंश्योर करता हो कि वो लोग उस शहर नहीं जा रहे जहाँ वो कत्ल प्लान कर रहा है। ये दोनों, अनंत किनी और मनोज महात्रे, इन दोनों के वॉलेट चोरी करने में भी एक चीज़ नोटिस करने लायक है। इन दोनों के वॉलेट चोरी हुए हैं, सेलफोन्स नहीं, जबकि इन दोनों के सेलफोन चोरी करना भी उतना ही आसान होता। मतलब ये अपने साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहता जिसे ट्रेस हो सके। बिल्कुल। तो फिर ऐसे शातिर को कोई चेहरा, कोई नाम कैसे दें? ये जो आपके दोनों विक्टिम्स हैं कि निचले तबके से हैं, हो सकता है कि ये दिहाड़ी मजदूरी करते हों या फिर अपने परिवार से दूर रहते हों, इसीलिए इनकी मिसिंग कंप्लेंट आज तक अब तक नहीं पहुंची है। या ये भी हो सकता है कि इनके आगे पीछे कोई ना हो इसलिए इनके परिवारों में कोई भौचाल नहीं आया। ये शख्स या तो ये इसी तबके का है या फिर इस तबके के लोगों के साथ काम करता है, उनके कॉन्टैक्ट में है, जहाँ पर ये इन लोगों को स्पॉट करता है और फिर उनसे दोस्ती करता है। उसके अंदर कोई तो ऐसी क्वालिटी है, कोई तो ऐसी पार है जिससे वो औरतों को कंफर्टेबल फील करवाता है, या फिर यूँ कहिए उन्हें फंसाता है। जगदीश, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, मेरे यहाँ दो दो बच्चे हैं जो मेरे पति ने मेरे गले बांधे और भाग गया कुतरा। देखो तुम वहां अच्छा कमा सकोगी, बच्चों को सिखा सकोगी, क्या इससे खुशी नहीं होगी तुम्हें? लेकिन क्या मुझे इससे अच्छा काम मिलेगा, मतलब जो यहाँ से ज्यादा पैसे दे?
और ऊपर से वहाँ रहने का खाने का खर्चा यहाँ से बहुत ज्यादा होगा ना। अच्छा काम दिलाना मेरी जिम्मेदारी मधु, यहाँ से दो गुना ज्यादा बचा पाओगी तुम। ठीक है जगदीश, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मुझे ये बार बार मधु मधु क्यों बुला रहे हो? फिर से गलती हो गई। या तो ये अपने सेक्सुअल डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को डायरेक्टली बोल नहीं पाता होगा, या फिर ये औरतें इसकी इच्छाओं के सामने झुकती नहीं होंगी, इसलिए ये उनको ड्रग देकर बेहोश कर कर अपनी विकृति को अंजाम देता होगा और उसके बाद उनका कत्ल कर देता होगा। इस आदमी की सेक्सुअल नीड नॉर्मल नहीं है। ऐसे लोगों में एक अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल अर्ज होती है, एक सेक्सुअल नीड होती है, और वो कॉन्डम यूज करता है। सिर्फ इतना क्लू काफी नहीं है हमारे लिए। ओके, अभी तक हमारे पास क्या हिस्ट्री है? 2014 मडगांव, 2017 नासिक, 2015-2016 इन दो सालों में भी जरूर कुछ हुआ होगा, या फिर 2013 या फिर उससे कुछ पहले भी कुछ किया हो। रेड लाइट एरियाज, वो कोठों पे जरूर जाता होगा। वो तो हम खंगाल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आप उसको उसके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से ही ढूंढेगा। आजकल ज्यादातर सेक्स वर्कर्स प्रोटेक्शन पर इंसिस्ट करते हैं, उनके पास अपना स्टॉक होता है, लेकिन क्योंकि हमारा सीलर किलर सफाई और सुरक्षा पसंद है, वो अपना कॉन्डम्स का स्टॉक लेकर जाता होगा और इंसिस्ट करता होगा कि वही यूज करें। पॉइंट है रोल प्ले। रोल प्ले? यस, रोल प्ले। हो सकता है कि वो इन औरतों के लिए डेस्परेट हो, उनके लिए तड़पता हो, इन्हें पाना चाहता हो, इनके साथ सोना चाहता हो, लेकिन ये औरतें उसके सामने झुकी ना हो, और क्योंकि वो डेस्परेट है, सनकी है, वो इन सेक्स वर्कर्स से रोल प्ले करवाता होगा ताकि वो औरतें बन जाएं जिसके लिए वो डेस्परेट है। तो शायद इन सेक्स वर्कर्स को वो उस नाम से बुलाता होगा जिन औरतों के साथ वो सेक्स करना चाहता होगा। क्वाइट पॉसिबल, वो अपनी सारी फैंटेसीज इन सेक्स वर्कर्स के द्वारा पूरी करता होगा। साड़ी है तेरे पास? है ना। पहन क्या? अरे अस्मिता, थोड़ा जल्दी आना, मेरी और भी सवाल है। अरे जाने तो दे पहले। क्या रे गुरु, क्या काम है? अस्मिता सुनना, मुझे एक आदमी चाहिए, वो थोड़ा येड़ा है, क्रैक। साहब लोग बोल रहे थे ये जो तेरा नासिक वाला अड्डा है वहाँ गारंटी आया रहेगा। तूने मुझे आधार कार्ड का सेंटर समझ के रखा है क्या? फोटो तो दे उसका। वही तो नहीं है। तो फिर हवा से ढूंढ के निकालूं क्या? अरे तू समझ नहीं रही, मतलब मुझे इतना ही पता है कि वो येड़ा है, सनकी है, बस। हमारे पास जो आधे से ज्यादा आते हैं ना, वो येड़े और सनकी होते हैं। ये अलग टाइप का येड़ा है, मतलब अपना कॉन्डोम साथ लेकर आता होगा। सच में बोल रहा हूँ। अब देख, तेरा नाम अस्मिता है ना, अगर वो तेरे साथ बैठेगा तो तुझे किसी और नाम से पुकारेगा, करिश्मा, रिश्मा या कुछ और। अरे कोई आइटम आइटम होगी, इसके हाथ नहीं आई होगी। तो रोल प्ले टाइप का कुछ करता होगा ऐसा, साहब लोग बोल रहे थे। आगे बोल। शायद कुछ खास कपड़े पहनने को बोलता होगा, और शायद सेक्स भी अलग तरीके से करता होगा। अरे कुछ पागल रे, येड़ा टाइप का कुछ। मेरा पाला तो ऐसा किसी से नहीं पड़ा अभी तक। तो बात घुमा अपने कोठे पे और बाकी कोठों पे भी। क्यों भाई, क्या किया इसने? किसी की जेब काट के भागा है क्या? गला काटा है, कम से कम दो औरतों का, और इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। एक सीरियल किलर हो सकता है। मतलब ये वैसा साइको है जैसे फिल्मों में साइको होते हैं? वैसा ही, पहले दवा खिलाता है, बेहोश करता है, और कॉन्डोम पहन के रेप करता है, फिर मर्डर, फिर फरार। सर इस तरफ वाले सभी चेक किए, कोई भी पैरोल पर नहीं। ये बीच में मर्डर रेप केस के जितने भी पंटर बेल पर हैं सभी को राउंड अप कर रहे हैं, और ये रेप केस अक्यूज्ड सभी की कंपलसरी हाजिरी चल रही है सर। मुझे लगता है हमारा टारगेट दिखने में खूंखार नहीं होगा, एक सभ्य किस्म का चेहरा होगा जिसे देखकर औरतें डरती नहीं होंगी दोस्ती करने में। कोई ऐसा होगा
जिसे ये देखकर बिल्कुल फीलिंग ना हो कि उसके अंदर इतनी विकृति भरी पड़ी है। लेकिन हाँ, किसी ने उसकी कोई अजीब आदत नोटिस जरूर की होगी, पर उसे कोई खतरा महसूस नहीं किया होगा। इन दोनों औरतों पर अभी तक कोई लीड क्यों नहीं मिली है? सर, टिटवाला, कल्याण, कसारा, इन जगहों पर जा भी कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। हमने सब जगह अपनी टीम लगा दी है। गुरु खबरी वहां रेड लाइट एरिया छाता है। विनीत, सुधा, जितने भी मर्डर एक्यूज्ड बेल पर बाहर है उन्हें ट्रैक करो, जिनमें किसी तरह की कोई सनक हो, जैसा कि रचना कह रही है। हो सकता है ये शख्स रडार में आया हो पहले कभी, पर हाथ से फिसल गया, बेल जंप किया, कुछ भी हो सकता है। हर मुमकिन एंगल टटोलो, पूरी ताकत लगाकर हमें उसे ढूंढना है। अब एक और मर्डर होने नहीं देना। पुराने कैदियों और आरोपियों से बात की गई इस उम्मीद से कि शायद कोई इस तरह के बिहेवियर वाला उनके ध्यान में आया हो। रेड लाइट एरिया के कोठों पर हमारे खबरी पूरे जोश से उस शख्स के बारे में कोई ना कोई सुराग ढूंढने की कोशिश में थे। रचना शानबाग नेशनल क्राइम डेटाबेस से इस तरह के अन्य अपराध और उनसे जुड़े आरोपियों को खोजने में हमारी मदद कर रही थी। पूरे राज्य और राज्य के बाहर के भी पुलिस थानों में दोनों विक्टिम्स की तस्वीरें और डिटेल्स भेजी गई, इस उम्मीद से कि कहीं कोई सिमिलर मिसिंग केस या कोई इंक्वायरी में कोई छोटा सा भी ब्रेक थ्रू मिला हो। पर जिस आदमी की हमें तलाश थी वो अभी हमसे कोसों दूर था। गुमनामी की चादर में लिपटा वो कोई भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। हम उसे ढूंढ रहे थे और वो भी किसी की तलाश में था। तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड़ा वेळाने। पर हमारे अलावा इस विकृत हत्यारे को कोई और भी खोज रहा था। हाँ स्मिता, अरे केस की बोनी तो करा। पूजा नाम है लड़की का। हाँ, रामाबाई के कोठे पे बैठती है। पूजा, बता क्या जानती है? पहले ये बता कि तेरी टिप में मेरा कितना टक्कर? अरे यार पूजा, कुछ काम की बता तो सही। इंस्पेक्टर मिलिंद, मुझे शायद आपकी केस में एक लीड मिली है। वैसे अभी तो नेशनल डेटाबेस से मिले सारे अपराधी और आरोपियों की फाइल्स मैंने नहीं छानी है, लेकिन मिसिंग फाइल्स में एक ऐसा नाम है जो शायद हमारे किलर की प्रोफाइल से मैच करता है। कौन है गुमशुदा आदमी? इसका नाम है कमलेश यादव। ये अक्टूबर 2016 में सतारा से गायब हुआ था। हो सकता है कि कमलेश यादव इसका असली नाम भी ना हो, लेकिन एक लीड हो सकती है। रचना, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुमशुदा आदमी हमारी लीड हो सकता है? अरे कुछ तो बताना यार, नाम, हुलिया या निशान, कुछ तो। अबे मैं क्या ग्राहकों के नाम पूछते बैठती हूँ, और अगर बता भी देगा तो क्या भरोसा है कि सही नाम है? अरे वो अस्मिता बोली थी मेरे को कि ऐसा ऐसा एड़े टाइप का आदमी है। मैंने कहा हाँ, आया तो था एक ग्राहक ऐसा, अबे वो खुद ही अपना कंडोम लेके आता था, और हर बारी ना उसको चाहिए होता था कि मैं कुछ नया पहन कराऊं। क्या? नहीं मतलब मैं सलवार पहनी थी तो बोला जा जाके साड़ी पहन के आ जा, फिर अगली बार जब मैं साड़ी पहनी थी तो बोला जा वो जीन्स पैंट और शर्ट पहन के आ जा, और फिर एक बार तो बोला कुछ मत पहन, ऐसे ही खड़ी हो जा दीवार के सहारे। एक घोर बच्चन, ताजमहल नहीं हूं मैं, ठंड लग रही है मेरे को। अबे चवन्नी कम, धंधा करती हूँ एक बात है, लेकिन खिलौना नहीं हूँ, समझा? अपना भी मूड, इज्जत विज्जत सबका लफड़ा होता है। अगर तेरा मूड नहीं है ना तो अपना भी मूड नहीं है। काहे को हर चार दिन में आके यहाँ पे रायता फैला रहा है? मैं ना रमाबाई से बात करूंगी, अगली बार से ना मेरे को तेरे साथ ना बिठा है, मेरे को नहीं बनना किसी येड़े की मधुबाला। ऐसी बात मत करना तू मधु, देख माफ कर दे मुझे। मधु नहीं हूँ मैं, पूजा हूँ, पूजा। उस दिन जो टोचन दिया ना साले को, आज तक नजर नहीं आया है। वो तेरे को मधुबाला बोलता था ना, मतलब बनने को बोलता था ना? नहीं नहीं, तू मेरी मधु है बस, इतना ही बोलता था। अभी मैंने भी सोचा क्या फर्क पड़ता है, किसी भी नाम से बुलाया, मैंने कौन सी शादी करनी है उसके साथ में। पर फिर ये बंदा बैठता था मेरे साथ में, और कुछ भी होने के पहले ना पानी मांगता था और जाके हाथ धोता था, और फिर सब कुछ हो जाने के बाद में वापस जाके साबुन से हाथ धोता था, और कभी कभी तो यूं ही बीच में ही हाथ धोने चले जाता था।
इतना जबरदस्त किल्लत है तो क्या बार बार हाथ धोता रहता है? कूड़ा दान हूं मैं। कुंडी को खोल बंद। एक दिन ना मैंने बोल दिया साले को, मैंने कहा अगर ये टूट गई ना तो रमा भाई सारा पैसा मुझसे वसूलेगी। उसका नाम पता चला क्या? मैंने तो उसका नाम मधुबाला ही रख दिया था। मुझे ये एड़े का स्केच बना सकती है? ये एड़ा ही अपना टारगेट लगता है। चलना गुरु, स्केच मेरे को कहाँ बनाना आता है। अरे तेरे कौन बोला बनाने के लिए, मतलब हुलिया बता सकती है क्या? मेरे को उसकी हरकतें याद है थोबड़ा नहीं, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसको याद करने के लिए बैठूं। जितना मुझे पता था मैंने तेरे को सब बता दिया। अब तो मेरा कमीशन दे और तू भी निकल यहां से, इतना ही पता है। ये रहा वो शख्स, सतारा में लेबर सुपरवाइजर था, अक्टूबर 2016 से गायब है। इसकी पत्नी पल्लवी जाधव ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, अब तक नहीं मिला है। तुम दावे के साथ इसे कल्प्रिट मान रहे हो इस केस का, क्योंकि ये लेबर सुपरवाइजर था? सिर्फ ये रीजन नहीं है, मैं दरअसल जितनी भी औरतें मिसिंग हैं उनकी फाइल्स चेक कर रही थी। ये कनेक्शन क्या बनता है रचना? ये लड़की मोनाली कुरवेकर चिपलून से गायब होती है, तो ये दोनों केसेस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? दरअसल मोनाली कुरवेकर की मिसिंग रिपोर्ट पंचगनी के पास वही में दर्ज कराई गई। मोनाली के फादर है चंद्रकांत कुरवेकर और मदर है उषा कुरवेकर, और इसकी बहन है पल्लवी जाधव, कमलेश जाधव की पत्नी। मैं कोई नतीजे पर नहीं पहुँच रही हूँ, मैं सिर्फ सारी डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। दरअसल ये लेबर सुपरवाइजर कमलेश यादव की प्रोफाइल मेरे दिमाग में अटक गई थी, वो भी अभी तक नहीं मिला है। और फिर मुझे मोनाली की मिसिंग फाइल मिली, मोनाली जो पल्लवी की बहन है, पल्लवी जो मिसिंग कमलेश यादव की पत्नी है, और मोनाली अभी तक नहीं मिली है। कमलेश यादव की पूरी डिटेल्स निकालते हैं, सतारा में इसकी फैमिली का कोई ना कोई जरूर होगा। सर गुरु खबरी आया है, भेजो उसे। बोल गुरु। सर रामा भाई के कोठे पे एक पूजा करके लड़की है, उसका एक कस्टमर था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने बताया था, वही कॉन्डोम वंडोम रोल प्ले जैसा, लेकिन एक महीने से वो आया नहीं उधर। इस पूजा को ले आता अपने साथ? पूजा बोल रही थी उसका चेहरा वेरा याद नहीं उसे, तो स्केच उसकेच नहीं बना सकती। ये एड़ा एक महीने से आ नहीं रहा है ना उधर। हाँ वो बोल रही थी हर बारी उसे अलग अलग कपड़े में देखना उसे पसंद है, उसे मधु मधु करके बुलाता था। अगर वो स्केच नहीं बनवाना चाहती है तो हम उसे फोटो दिखा सकते हैं। गुरु ये फोटो दिखा से और पूछिए याद नहीं है क्या? सतारा के इस केस की डिटेल्स निकाल दो। इस केस में हर लीड दरअसल अंधेरे में तीर था, पर हमारा मुजरिम बेहद खतरनाक था और हमें किसी भी सूरत में उसे ढूंढना ही था, चाहे वो कोई भी हो कहीं भी हो। और रचना द्वारा दी गई लीड हमें उस शख्स की पहली झांकी देने वाली थी कि आखिर वो शख्स कौन था जिसे हम खोज रहे थे। और रचना द्वारा दी गई लीड हमें उस शख्स की पहली झांकी देने वाली थी कि आखिर वो शख्स कौन था जिसे हम खोज रहे थे। आओ, मिसिंग कमलेश यादव का केस मुझे अच्छे से याद है। सीरियल किलर कैसे पड़े? इस वक्त हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कमलेश यादव हमारा टारगेट हो सकता है। हमें कमलेश की पत्नी पल्लवी यादव से बात करनी थी और कमलेश की फैमिली तक भी पहुंचना। लेकिन सतारा में तो कमलेश यादव की कोई फैमिली है ही नहीं। तो फिर कहां? कमलेश यादव की पत्नी पल्लवी ने हमको बताया था कि उसकी कोई फैमिली है ही नहीं। कुछ तो बड़ा बड़ा पार्ट। पल्लवी की छोटी बहन मोनाली भी चिपलून से तकरीबन उसी वक्त गायब हुई थी जब कमलेश यादव गायब हुआ था। हाँ मुझे मालूम है। आप पल्लवी यादव से बात करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं पल्लवी से कॉन्टेक्ट करता हूँ। मोनाली कुरवेकर की मिसिंग कंप्लेंट यहाँ वाई में हमारे ही पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, लेकिन वो गायब यहाँ से नहीं हुई थी। मोनाली के माँ बाप का कहना था कि मोनाली को चिपलून के किसी होटल में नौकरी मिली थी, इसलिए वो चिपलून गई थी। हमने चिपलून के सभी छोटे बड़े होटल्स में पूछताछ की थी, मोनाली कुरवेकर नाम की किसी लड़की को किसी होटल में कोई नौकरी नहीं मिली थी। क्या? 14 अक्टूबर 2016 को मोनाली अपने घर से चिपलून के लिए निकली थी, लेकिन तब से उसका कोई पता नहीं। मोनाली के माँ बाप ने उसी शाम आकर कंप्लेंट लिखवाई थी। मुझे मोनाली के माँ बाप से बात करनी है। हाँ बाबा, मुझे भी पुलिस का फोन आया था, उनको कमलेश के बारे में बात करनी है।
अगर पल्लवी काय भानगड़ है, कमलेश और मोनाली की खबर आ रही हो भी साथ साथ। तुम अपने थाने जाकर पता करो ना, मैं भी अपने थाने के लिए निकलती हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं वही आ जाऊंगी। मैं आती संकेत लोतर, इस कमलेश में खोट है, लेकिन पल्लवी ने हमारी सुनी ही नहीं। उषा, कमलेश गया खड्डे में, मुझे अपनी बेटी मोनाली की फिक्र है। ये है तेरा मधुबाला। सर आपकी ये साइको मैडम ने सही पकड़ा है, ये कमलेश यादव ही आपका टारगेट है। पूजा ने पहचान लिया इसको। पूजा को इसने अपना क्या नाम बताया था? पूजा को इसका नाम तो नहीं पता था, लेकिन वो इसको मधुबाला करके बुलाती थी, क्योंकि ये अड़ा चाहता था कि वो इसकी मधु बने, और ये पूजा को हमेशा मधु मधु करके बुलाता था। अब हमें पल्लवी और उसके परिवार के पीछे लगना होगा, क्या पता शायद पल्लवी की छोटी बहन मोनाली को इस कमलेश यादव ने मार दिया। सर पूरा परिवार यहाँ पहुंच रहा है, सतारा पुलिस ने कंफर्म किया। पल्लवी और उसके माँ बाप जरूर इस कमलेश यादव के बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन दे सकते। वैसे सतारा पुलिस ने कंफर्म किया है कि इस कमलेश यादव का कहीं कोई परिवार नहीं था, ना ही सतारा में और ना ही कहीं और। ये कमलेश यादव या जो भी इसका नाम है, ये हमारा टारगेट, हमारे टारगेट को एक चेहरा मिल गया, बस जल्द से जल्द हमें इसे थाना है। इंस्पेक्टर मिलन बिल्कुल सही है, कमलेश यादव ही हमारा टारगेट है, मुझे और सबूत मिले हैं उसके खिलाफ। और क्या सबूत मिले रचना? मैंने आपसे कहा था ना कि ये सस्पेक्ट पहले भी पुलिस के रडार में रहा होगा और फिर फिसल गया होगा, ऐसा ही हुआ है। और ये हुआ था कोल्हापुर पुलिस से, हमारा टारगेट एक केस में आरोपी है, एक मर्डर केस में पकड़ा गया था, इसका असली नाम है सुधीर परब। किसका मर्डर किया था, कब? 2013 में किसी बैथली खेड़कर का मर्डर किया था इसने। जैसा तुमने कहा रचना, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। 2013 में साइको ने अपना खाता खोला। करेक्शन, 2013 में पुलिस की रडार में आया था, हमें नहीं पता कि इसने अपने मर्डर का सिलसिला कब शुरू किया था। इंस्पेक्टर मुझे डर है कि हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इससे पहले कि किसी और को अपना शिकार बना ले। सुंदर दिख रही हो मधु, तेजस्विनी कब निकलना है यहां से? मैंने सुपरवाइजर साहब से बात कर ली है, यहां से डबल पैसे मिलेंगे। सच? सच। मुझे एक हफ्ते का वक्त दो जगदीश, वो बच्चों को समझाना होगा। जो भी करना है बस जल्दी करो। हमारा संदिग्ध एक पुलिस थाने की गिरफ्त में था। 2013 में उसने मैथिली खेड़ेकर नामक औरत की हत्या की थी। ये आदमी अपनी जेल की सजा के बीच वहां से निकला कैसे, अपनी विकृति को कैसे अंजाम दे पाया, ये हम उसी से जानेंगे। पर अभी हम इतने करीब भी नहीं है उसके कि अगला मर्डर रोक सके। इस बंदे का असली नाम क्या है, कमलेश यादव या सुधीर परब? और कौन सा किरदार इस केस को क्लोज करने में, इस भेड़िये को पकड़वाने में हमारी मदद करने वाला है, इससे पहले कि वो फिर से किसी को अपना शिकार बनाए, हमें उसका शिकार करना। कल के एपिसोड में हम आपके सामने इस चेस का शेष भाग पेश करेंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।